मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसका एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर ये उस पे वर्क करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन, इलेक्ट्रिक जनरेटर DC AC जनरेटर वो वर्क करता है। तो अभी हमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एप्लीकेशन देखना है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हमको पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या ऐसा हम कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ये बेसिक डिफिनेशन इसकी है मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू द मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम अपने मोटर को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देते हैं, तो वो क्या करता है उसकी शाफ्ट रोटेट करने लगती है, बीच से शाफ्ट पे जाती है। ये उसका एक डायग्राम है, स्केच डायग्राम, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि वर्किंग इसकी क्या होती है। सबसे पहली बात, इसका एप्लीकेशन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि क्या होता है जैसे ही हम किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो उसके सराउंड में, हम पहले पढ़ चुके हैं कि सराउंड में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होती है, और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी कि वो उसका डायरेक्शन हमको कैसे पता लगता है। तो हम पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने एक शेयर किया था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था, वो इस पे वर्क करता था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम जब इनपुट देते हैं करंट, हमको आउटपुट मिलता है फोर्स, तो उस फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हमको क्या चाहिए था, कोई ना कोई रूल चाहिए था। तो हमको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पता लगा वहां से, जो कि मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रेच करें अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर को इस तरह से कि वो तीनों फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तब क्या होता है कि अगर सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन शो करती है, फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती है, तब थंब जो होगा वो फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा। इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं कि इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड फिंगर इन सच ए वे दैट द फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ सेंटर फिंगर विल शो द, सेंटर फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, तो वो सीधे सीधे इस पर अप्लाई होगा। ये एक मोटर की स्ट्रक्चर, अब हमको इसमें देखना है यहाँ पे एक, ये नॉर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। हमको पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड जाती है, नॉर्थ टू साउथ फील्ड इंटर, नॉर्थ से हो करके साउथ की तरफ फील्ड इंटर होती है। यहाँ पे दो मैग्नेट रखे हुए हैं जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, ठीक। इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉयल, कॉयल का फॉर्म है जैसे मैंने कॉयल बताया था वैसे कॉयल का फॉर्म एक रेक्टेंगुलर कॉयल रखा हुआ है। तो रेक्टेंगुलर कॉयल रखने का मतलब ये है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो, इसलिए जिससे कि मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो, मैग्नेटिक फोर्स जो फोर्स वर्क करता है तो उससे हम क्या पा सकें, मोशन पा सकें। अब इसमें मोशन कैसे होती है, वो भी रोटेशनल मोशन कैसे हो जाती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे ये स्ट्रक्चर इसकी। ये एक कॉयल है, ये कॉयल है, ये इंटरनल सर्किट है, मोटर की इंटरनल सर्किट है, जो कि हम कहते हैं ना कि कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाती है, तो वो ये वाइंडिंग है, इंसुलेटेड कॉपर वायर उसकी वाइंडिंग है या कॉयल है। इसके बाद बात आती है आउटर सर्किट की, जिसमें कि ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो कि ये दोनों बनी हुई है, उसमें ब्रशेस लगे होंगे B1 B2,
ये स्लिप रिंग इसको कहते हैं S1, S2, ये दोनों स्लिप रिंग होगी, स्प्लिट रिंग होगी, जिसमें क्या होगा, स्प्लिट रिंग का मतलब क्या होता है, एक रिंग को तोड़ दे, स्प्लिट कर दे, तो वो दो रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, तो स्प्लिट रिंग है ये। उसके बाद ये इसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। कम्यूटेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन चेंज करती रहती है, करंट का डायरेक्शन हरदम चेंज होता रहता है, इसलिए हम इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं। तो इसमें ये आउटर सर्किट होती है, यहां हम बैटरी या डीसी कनेक्शन दे देते हैं। ये आउटर सर्किट, ये इनर सर्किट। अब हम आउटर सर्किट में कुछ करंट को अप्लाई करेंगे तो वो इनर सर्किट से कनेक्शन मिलना चाहिए, तब तक ये क्वाइल पे करंट फ्लो करेगी। अब हम क्या करते हैं, आउटर सर्किट में बैटरी से कनेक्शन देते हैं, तो ये स्प्लिट रिंग वाला पार्ट ये जो है ये इस वाले इससे कनेक्शन में रहता है, कॉइल के इस पार्ट में इससे कनेक्शन में S2 रहता है। जैसे ही हम कनेक्शन फ्लो करंट को फ्लो कराते हैं तो ये पूरे कॉइल में करंट फ्लो कर जाती है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमने जैसे ही वर्किंग इसकी समझना है, तो वर्किंग ऐसे समझे कि जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो क्या होगा, यहाँ पे करंट माइनस टू प्लस, प्लस ये B1 से होते हुए S1 में आएगी। अच्छा, ये जो स्प्लिट रिंग होती है ये क्या करती है, यही रोटेट करती है। ब्रश तो स्टेबल होता है, ये इसकी बॉडी में, मोटर की बॉडी में रहता है ब्रश, ये इसके सिर्फ टच में रहता है यहाँ पे, तो ये स्लाइड कर सकता है और ये रोटेट करता रहता है। ये एक एक्सिस के थ्रू जो शाफ्ट आती है मोटर की बाहर की तरफ, उसके ऊपर रोटेट करता रहता है इस तरह से। मतलब ये अगर कॉइल है तो वो ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा, तो वही शाफ्ट बाहर की तरफ निकली होती है जो हमको दिखती है रोटेट करती हुई फैन में जो होती है। तो ये क्या होता है, अच्छा एक चीज और इसमें समझने वाली बात है कि ये रोटेट कैसे कर जाता है, कौन सा फोर्स वर्क करता है कि ये रोटेशनल मोशन में आ जाता है। तो उसके लिए हमको एक टर्म समझना पड़ेगा, वो होता है टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क तो पढ़ा नहीं है क्लास 9 में। टॉर्क के बारे में ऐसे समझो, जैसे ये एक बॉडी है, हमको इसको लीनियर मोशन कराने के लिए एक फोर्स देना पड़ता है, ठीक है, ये लीनियर मोशन कर रही है। लेकिन अगर हमको रोटेशनल मोशन चाहिए, मतलब ये बॉडी इसको रोटेशनल मोशन ऐसे घुमाना है, तो हमको टॉर्क देना पड़ता है, ठीक। तो टॉर्क कैसे लगता है, जब एक ही बॉडी पे दो फोर्स एंटी पैरेलल डायरेक्शन में वर्क करते हैं तब वहां पे क्या होता है, टॉर्क लगता है। दो फोर्स एंटी पैरेलल है, ये इधर से एक फोर्स, इधर से एक फोर्स, इधर से, ये पैरेलल होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स होंगे लेकिन पैरेलल होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स पैरेलल होंगे। तो जैसे ही वे वर्क करेंगे और कुछ डिस्टेंस पे वर्क करेंगे, हमेशा टॉर्क में क्या होता है कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होंगे, तो जैसे ही वो वर्क करेंगे दो फोर्स एक दूसरे के डिस्टेंस पे होकर के सेम बॉडी पे, तो वो बॉडी रोटेट करने लगेगी। देखो हमने एक फोर्स यहां से लगाया नीचे से, एक फोर्स यहां से ऊपर से लगाया, तो ऐसे रोटेट करने लगेगी बॉडी। तो वही केस इसमें टॉर्क का आ जाता है। टॉर्क कहां से जनरेट होता है, अब ये हमको इससे समझना पड़ेगा, कॉइल की स्ट्रक्चर से कहते हैं। पहली बात एक चीज जान लो कि जो फोर्स वहां पे जनरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर है और डीसी मोटर क्यों कह रहे हैं, यहां से डीसी कनेक्शन दे रखा है, ठीक। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे ही हम सप्लाई देंगे डीसी की, तो वो सिर्फ जो फील्ड के परपेंडिकुलर कंडक्टर है या फील्ड के परपेंडिकुलर जो वायर है उसमें फोर्स जनरेट होगा, ना कि फील्ड के पैरेलल में जो वायर है उसमें फोर्स जनरेट होगा। ये वजह, ये एक डर आता है 11th क्लास में, उसमें समझाया जाएगा क्यों इसमें फोर्स जनरेट नहीं होता। और यहाँ पे सिर्फ इतने समझने वाली बात है कि जो परपेंडिकुलर वाला है होता है, इसमें भी जनरेट होता है, लेकिन बहुत ही निग्लिजिबल करंट फोर्स जनरेट होता है, तो उसको हम अजीम नहीं करते। हम इसको सिर्फ अजीम करते हैं जो परपेंडिकुलर है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कॉयल का AB वाला पार्ट और CB वाला पार्ट, इसमें सिर्फ फोर्स जनरेट होगा। किसकी वजह से, करंट की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यही होता ही है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर में, तो वहां से उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होती है वही लाइन ऑफ फोर्स होती है, उसी को हम डायरेक्टली कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स सिंपल में। तो जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, करंट को अप्लाई करेंगे, यहां से बैटरी कनेक्शन दिया, ये B1 ब्रश से होता हुआ करंट S1 स्लिप पे टच किया,
यहां से होते हुए इस कंडक्टर में ए बी पार्ट में करंट फ्लो करेगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर से इस डायरेक्शन में आएगा, यहां से होता हुआ ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक, तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे करंट का फ्लो, फिर ए टू से होता हुआ बी टू से होता हुआ इसमें आएगा, फिर ये सर्किट कंप्लीट कर देगा, पूरी सर्किट कंप्लीट होगी, करंट का फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा होने लगा। ठीक है, अब हमको देखना है, क्योंकि मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब रोटेशन कैसे होगा, रोटेशन होगा वही तो मैकेनिकल एनर्जी है। तो यहां से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, ठीक है, इनपुट दे दिया, ये जब इस पे करंट का फ्लो करेगा तो फिर वो कैसे रोटेट करेगा और किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, हम इस पार्ट पे और इस पार्ट पे सिर्फ देखेंगे, क्योंकि पैरेलल में हमने बताया नेग्लिजिबल फोर्स अज्यूम करते हैं, इसलिए वहां का फोर्स नहीं लेते हैं। तो हम इस पार्ट में देखेंगे, इस पार्ट में देखेंगे। अब ये पार्ट में देखने का मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि फोर्स किस तरफ जा रहा है, ये पता लगेगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता लगेगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जैसे ही हम अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर रख देंगे एक दूसरे के, फोर फिंगर सेंटर फिंगर एंड थंब, सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन शो करेगी, फोर फिंगर किसका डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम फील्ड का डायरेक्शन देखें, नॉर्थ से साउथ है, ये फील्ड का डायरेक्शन है, इस वाले ए बी वाले पार्ट में फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, करंट कहां है, ऊपर की तरफ, ये करंट कहां है, ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। और ये थंब का डायरेक्शन क्या शो करेगा, फोर्स जिस तरफ कॉइल को मूव करना है, फोर्स का डायरेक्शन। तो ये वाला पार्ट कहां को मूव कर जाएगा, बोर्ड के अंदर, ठीक, बोर्ड के अंदर मूव कर जाएगा, मतलब इनवर्ड, कहां जाएगा, इनवर्ड, ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। फील्ड का डायरेक्शन ये था, करंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ, ये फील्ड है, ये करंट है, ये फोर्स है। तो ये वाला पार्ट क्या है, अंदर की तरफ जाना चाहेगा, ठीक। अब दूसरे साइड आ जाओ, ये वाला पार्ट क्या होगा, अब इससे भी हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, फील्ड का डायरेक्शन ये है फोर फिंगर, करंट का डायरेक्शन ये है सेंटर फिंगर, तो थंब का डायरेक्शन क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स या मोशन का, ये कहां जाएगा, आउटवर्ड, कहां जाएगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर की तरफ आना चाहिए। अब देखो दो फोर्स हैं, क्योंकि यहां पे भी वही करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वही फोर्स यहां पे भी है, यहां पे भी क्या है, इस पार्ट में भी, सीडी वाले पार्ट में भी वही करंट फ्लो कर रही है, वही फोर्स यहां पे भी जनरेट हो रहा है। दो फोर्स है एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, दोनों एक दूसरे के ठीक डिस्टेंस पे है। तो मैंने बताया टॉर्क वही होता है, तो यहां पे टॉर्क अप्लाई हो जाएगा इस कॉइल पे, क्या होगा, चूंकि ये बीच में शाफ्ट है, उस पे ये फिट है और ये रोटेशन मोशन करने के लिए फ्री है। तो जैसे ही ये फोर्स ऊपर की तरफ, सीडी कॉइल ऊपर की तरफ आना चाहेगा, ये एबी कॉइल अंदर की तरफ जाना चाहिए, तो वहां पे रोटेशनल मोशन होने लगेगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, ये वर्किंग है किसकी, डीसी मोटर की, इलेक्ट्रिक मोटर की, ये हमको समझने की जरूरत थी। दूसरी चीज ये है, इसमें अगर हम कनेक्शन चेंज कर दें, अगर कनेक्शन हम यहां से चेंज कर देते हैं, चेंज क्या करना है, अगर हम जैसे ही हम ये रोटेट कराएंगे, ये रोटेट करके ऐसे था कॉइल, ए बी इधर था, सी डी इधर था, ठीक, ये रोटेट करेगा तो हाफ रोटेशन पे ये इधर आ जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा, ठीक, ऐसे देखो ए बी इधर था, सी डी इधर है, तो ऐसे जब रोटेट करेगा ये कॉइल रोटेट करेगा तो सी डी इस साइड आ जाएगा और ए बी इस साइड आ जाएगा, ठीक। तो इसको हमको यहां पे देखना, सी डी इस साइड आएगा, ए बी इस साइड आ जाएगा, तो ये सी डी किससे कनेक्शन में आएगा, अब ये स्लिप रिंग क्या है, कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी एस टू, ये हो जाएगी एस वन, ये बदल जाएगी एस टू और एस वन, ये स्प्लिट रिंग जो है वो आपस में कन्वर्ट, एक हाफ रोटेशन पे, तो इससे ये इधर लग, ये वाली स्प्लिट रिंग जो है ये इधर ले जाकर लग जाएगी, ये वाली इधर जाएगी, ये वाली घूम करके इधर आ जाएगी,
तो F2 B1 ब्रश से जुड़ जाएगी, F1 जो है B2 ब्रश से जुड़ जाएगी। ये ब्रशेस जो है ये बॉडी में लगे होते हैं और कार्बन के पार्ट होते हैं, कार्बन के छोटे टुकड़े होते हैं जो कि इससे करंट को सप्लाई करने में, ताकि वो कॉइल में करंट को सप्लाई दे सके, इसलिए होते हैं, उनसे टच में होते हैं। तो अब क्या हुआ, अब ऐसे में ये हुआ कि ये करंट का डायरेक्शन हमने बताया कि स्प्रिट रिंग है, करंट का डायरेक्शन चेंज करने के काम में आती। अभी पहले प्रीवियस कंडीशन में क्या था, सीडी में डाउनवर्ड करंट, लेकिन अब क्या हो जाएगा, सीडी में सीडी वाले पार्ट में अपवर्ड करंट फ्लो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये ऐसे जाएगी, B1 से होती हुई S2 में जाएगी, और ये फिर यहां से, ये फिर यहां से, ये इससे कनेक्शन में है, ये इधर आ जाएगी, और फिर ये सर्किट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि अब सीडी वाला पार्ट में सेम वही फेनोमिना फिर से होगा, लेकिन फर्क यह गया कि अब ये सीडी वाला पार्ट आ गया और ए बी वाला पार्ट आ गया। फील्ड यही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही रहेगी, नॉर्थ टू साउथ। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखो, फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ, तो ये कॉइल इन्वर्ट जाएगा, कॉइल का ये पार्ट कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। फील्ड का डायरेक्शन इस वाले पार्ट पे, ए बी पार्ट पे, इसका डायरेक्शन सेंटर फिंगर नीचे की तरफ, करंट नीचे, थंब का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, मोशन फोर्स तो ऊपर की तरफ आएगा आउटवर्ड, तो फिर वहां पे एक टर्न, फिर रोटेशनल मोशन वहां पे कंटिन्यू बनी रहेगी जब तक हम ये सप्लाई देते रहेंगे। तो ये रोटेशनल मोशन होने लगती है वो इस वजह से होती है कि यहां पे एक मैग्नेटिक मैग्नेट है, तो उसका भी एक फोर्स होगा, इसकी एक फील्ड होगी और इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है, एक दूसरे को एक्शन रिएक्शन फोर्स न्यूटन का लॉ यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो उसकी वजह से ये उसके उसका लॉजिक जो है यही इसके पीछे कि ये रोटेट क्यों करने लगता है, तो उसके लॉजिक ये है कि इन दोनों के बीच में या इधर यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही, ये रिपेल करता है उसको, उसको रिपेल करता है, उस वजह से ऐसा रोटेशनल मोशन हमको नजर आती है। तो नॉर्थ की तरफ अगर आएगा तो अगर ये ए बी कॉइल में रहेंगे तो नीचे की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही है, उसको धक्का दे रही है। तो चूंकि ये फिक्स है, ये तो फिक्स रहता है बॉडी में, लेकिन यही रोटेशनल रोटेट करने के लिए फ्री है, तो ये रोटेट कर जाता है, उसी तरह यहां पे भी वही होता है, तो ये रोटेट करने के लिए फ्री रहता है।